आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। दही हांडी भारत के प्रमुख उत्सवों में से एक है, जो भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को दही हांडी का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण एक मिट्टी की हांडी होती है, जिसे ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और जिसमें दही, मक्खन और अन्य मिठाइयां भरी होती हैं। उत्सव के दौरान युवाओं की टीमें एक मानव पिरामिड बनाकर इस हांडी को तोड़ने का प्रयास करती हैं। कई स्थानों पर इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसकी गूंज देश के अन्य हिस्सों में भी सुनाई देती है। दही हांडी का पर्व भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और इसे मनाने का तरीका भी बहुत ही रोचक और रोमांचक है। आइए जानते हैं इस उत्सव का इतिहास। दही हांडी उत्सव का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बचपन में गोपियों के घरों से मक्खन और दही चुरा लेते थे। इसी परंपरा को जारी रखने के लिए दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। दही हांडी का पर्व भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में बालक कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन और दही चुराते थे और उसे बड़े चाव से खाते थे। गांव की महिलाएं इससे परेशान हो गईं और उन्होंने माखन और दही को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, ताकि छोटे कद के कृष्ण और उनके मित्र इसे न चुरा सकें। लेकिन कृष्ण ने इस चुनौती का सामना करने के लिए मानव पिरामिड का सहारा लिया। दोस्तों के कंधों पर चढ़कर उन्होंने मटकी तक पहुंचना शुरू किया और दही और माखन का आनंद लिया। यही कारण है कि आज भी दही हांडी के रूप में इस परंपरा को जन्माष्टमी के उत्सव का हिस्सा बनाया गया है। दही हांडी का आयोजन मंदिरों और सड़कों पर बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। खास तौर पर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जहां गोविंदा की टोली मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती है। इस अवसर पर लाखों लोग एकत्र होते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए इस पर्व का आनंद लेते हैं। दही हांडी का आयोजन आज के समय में एक बड़े सार्वजनिक उत्सव के रूप में होता है, जिसमें मीडिया कवरेज, पुरस्कार राशि और व्यावसायिक प्रायोजन भी शामिल होते हैं। दही हांडी उत्सव की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। मिट्टी की हांडी बनाई जाती है और उसमें दही, मक्खन और अन्य मिठाइयां भर दी जाती हैं। इसके बाद हांडी को एक ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता है। उत्सव के दिन सड़कों पर रंगोली बनाई जाती है और भगवान कृष्ण की मूर्तियां सजाई जाती हैं। दही हांडी उत्सव का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन मुंबई में होता है। यहाँ सैकड़ों दल भाग लेते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उत्सव के दौरान सड़कों पर भीड़ उमड़ जाती है और उत्साह का माहौल बन जाता है। दही हांडी उत्सव के दौरान कई गतिविधियां होती हैं। युवाओं की टीमें एक मानव पिरामिड बनाकर हांडी को तोड़ने का प्रयास करती हैं। इस दौरान उत्साह और रोमांच का माहौल बन जाता है। हांडी को तोड़ने वाली टीम को पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा उत्सव के दौरान भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दही हांडी उत्सव का भारत में बहुत महत्व है।
यह उत्सव लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह उत्सव युवाओं में खेल भावना और टीम स्पिरिट को विकसित करता है। दही हांडी उत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। दही हांडी का आयोजन मंदिरों और सड़कों पर बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। खास तौर पर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जहां गोविंदा की टोली मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती है। इस अवसर पर लाखों लोग एकत्र होते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए इस पर्व का आनंद लेते हैं। दही हांडी का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें भगवान कृष्ण की मस्ती और साहस की याद दिलाता है। इस पर्व के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की उन लीलाओं का अनुभव करते हैं, जो हमें सिखाती हैं कि किसी भी कठिनाई को कैसे पार किया जाए। दही हांडी का आयोजन आज के समय में एक बड़े सार्वजनिक उत्सव के रूप में होता है, जिसमें मीडिया कवरेज, पुरस्कार राशि और व्यावसायिक प्रायोजन भी शामिल होते हैं। दही हांडी उत्सव भारत का एक अनूठा और रंगीन उत्सव है। यह उत्सव भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इसमें युवाओं की टीमें एक मानव पिरामिड बनाकर एक ऊंचाई पर लटकी हुई हांडी को तोड़ने का प्रयास करती हैं। दही हांडी उत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई हैं। आपसे अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।